ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਸਵਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਇੰਟਰੋ। हाँ जी, वेलकम बैक। तो लाइसेंस लैन तो पहला तुहानू ये जरूर पता होना चाहिए कि कनेडा दे विच किन्ने तरीके दे जिहड़े फायर आर्म्स लाइसेंस आ वो हैगे आ। कैनेडा दे विच तीन तरीके दे फायर आर्म लाइसेंस आ, फस्ट नॉन रिस्ट्रिक्टड, सैकेंड रिस्ट्रिक्टड, तो थर्ड प्रोहिबिटड। नॉन रिस्ट्रिक्टड फायर आर्म दे विच राइफल ते शॉटगन्स आउंदियां ऐ, पर सारियां नहीं आउंदियां। तो रिस्ट्रिक्टड फायर आर्म दे विच राइफल्स भी हो सकदियां ऐ, शॉटगन्स भी हो सकदियां ऐ, ते हैंडगन्स, पर सारे नहीं। तो प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स के विच भी राइफल्स, शॉटगन्स एंड हैंडगन्स होंदियां है, पर वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोहिबिटेड आ कि नहीं। वो अपने सर्टन फैक्टर मेजरमेंट कुछ भी जो भी उन्होंने वेखना होंदा डिसाइड करते हैं। तो फिर उन्हां दी जो भी लिस्ट आ वो सानू उन्हां दी RCMP की वैबसाइट पर मिल जाती है, तो जिथों आपां पता कर सकते हैं कि कहड़ा फायर आर्म प्रोहिबिटेड आ कहड़ा नहीं। तो प्रोहिबिटेड फायर आर्म की एक गल भी आ कि आपां उन्हां नूं ओन नहीं कर सकते। उहदे पिछे कारण ये आ कि उहदे लई सानू प्रोहिबिटेड लाइसेंस चाहिए, तो दे डोंट इशू प्रोहिबिटेड लाइसेंस एनी मोर। हुण जिद्दां कि तुहानू पता ही आ कि आपां प्रोहिबिटेड लाइसेंस नहीं लै सकते, तो फिर पिछे बचदे आ दो, नॉन रिस्ट्रिक्टड ते रिस्ट्रिक्टड। हुण नॉन रिस्ट्रिक्टड ते रिस्ट्रिक्टड लाइसेंस लैण लई तुहानू करना पैणा कोर्स। तो ये कोर्स दो दिन का हुंदा, एक गवर्नमेंट वालों गाइडलाइन है कि आपां इह दोवें कोर्स एक दिन च नहीं कर सकते। तुहानू कोई भी फायर आर्म इंस्ट्रक्टर ये दोवें कोर्स एक दिन च नहीं कराऊगा, पर ये भी जरूरी नहीं है कि तुसीं ये दोवें कोर्स करने ही करने आ। जे तुसीं कल्ला नॉन रिस्ट्रिक्टड लाइसेंस लैना, तो तुसीं कल्ला नॉन रिस्ट्रिक्टड भी लै सकते हो, जिहदे विच कोई सर्टन लाइक मोस्टली सारिया राइफल्स आउंदियां, पर लाइक हरेक राइफल नहीं आउंदी क्योंकि वो इज़ अप टू गवर्नमेंट। पर एनीवे जे तुसीं दोवें लैने आ, तो तुहानू दो दिन का कोर्स करना पैना, तो दैट हैज़ टू बी डन सैपरेट डेज। फिर उहदे लई तुहानू की करना पैना, अपने एरिया दे विच गूगल सर्च कर लो, जां जे तुहाडे कोल लोकल रेंज हैगी आ जिथे तुसीं शूटिंग करन जांदे जे, जां इनडोर रेंज लाइक प्रॉपर सर्टिफाइड रेंज, ते तुसीं उहनां नूं वी पुछ सकदे जे, क्योंकि उहनां दे लिंक हुंदे आ अपने फायर आर्म इंस्ट्रक्टर दे नाल जिहड़े कि कोर्स मतलब लाइसेंस प्रोवाइड कराउंदे आ। ते फिर उहनां दे नाल तुसीं लिंक लै के ते अपना जिहड़ा वा ओह कोर्स डेट आ उहनूं स्कैड्यूल कर सकदे जे। ते अगला स्टैप, कोर्स तों बाद तुहानूं टैसट देना पऊगा, जिदे विच तुहानू मिनीमम 80% जिहड़े आ ओह पास होण लई चाहीदे आ। फिर उदों बाद तुहाडा फायर आर्म इंस्ट्रक्टर जिहड़ा भी होगा वह तुहानू एक लैटर दऊगा, नाल तुहाडा टैसट रिजल्ट दऊगा, तो नाल एक फॉर्म दऊगा जिहड़ा कि तुसीं भर के RCMP दे एड्रैस ते भेजना, इनकलूडिंग अपने जिहड़ा रिजल्ट आ उहदे नाल। फिर उहदी फीस भी तुहानू पे करनी पैणी आ, उहदे कुछ डिफरेंट वेस होंदे आ, जां तुसीं ड्राफ्ट भेज दो, जां उन्होंने मल्टीपल ऑप्शनस दित्तियां होंदियां कि तुसीं किद्दां करने आ। सब तो ईजी हुंदा कि अपना कार्ड भर दो फॉर्म दे विच ही, इदां ही मैं कीता ही, ते वो अपने आप ही कट लैंदे आ, फिर तुहानू कोई एक्सट्रा हसल करन दी जरूरत नहीं हुंदी। ते अज दे टाइम च हुण May 2022 चलदी आ, ते हुण फायर आर्म लाइसेंस लैण लई बड़ा ज़्यादा वेटिंग पीरियड चलन डिया, लाइक ईवन के 4 महीने 5 महीने, ईवन के कुछ केसां दे विच जिद्दां कि नवें लाइसेंस आ उन्हां नूं ईवन कि दे आर टेकिंग लिटल मोर, बट एनी वे यू विल गैट इट इफ़ यू आर जेन्युइन परसन। तुहाडी बैकग्राउंड सारा कुछ शो चैक करदे आ, बट इट्स गुड। सो अगला क्वेश्चन, कि जे तुसीं इंटरनेशनल स्टूडेंट जे, जां विजिटर जे, जां किसी भी वीजे ते जे, पर PR नहीं जां सिटीजन नहीं, कि तुसीं लाइसेंस लै सकदे जे? तो उहदा आंसर आ यस, तुसीं बिल्कुल लाइसेंस लै सकदे जे, क्योंकि जे तुसीं कैनेडा दे विच फायर आर्म ओन करना, तो यू हैव टू हैव अ फायर आर्म लाइसेंस, अदरवाइज इट्स इलीगल एंड यू कैन फेस अ चार्जिस फॉर दैट। पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं पढ़न दे विच आई जां वेखन दे विच आई कि जे तुसीं स्टूडेंट जे, जां मतलब विजिटर ते जे, जां किसी भी तरीके ना, कि तुसीं फायर आर्म लाइसेंस नहीं लै सकदे। तुसीं लै सकदे जे, यू हैव टू बी अ रेजिडेंट, और ईवन लाइक अ पीपल कम फ्रॉम स्टेट्स, और ईवन के यूरोप तों भी आउंदे आ लोग जिहड़े आ के हंटिंग करदे आ इत्थे, ईवन उहनां नूं वी इत्थे आ के कोर्स करना ही पैंदा, दैट्स मस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इट्स गाइडलाइन। बट एनी वे आई थिंक दैट्स आ मोर दैन इनफ इंफॉर्मेशन। यू गाइज हैव अ सेफ डे।